हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो टुडे आज फिर हमारा एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। टुडे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जैसे एक सिंपल सी बात है, हमने लास्ट लेक्चर में एक बात पढ़ी थी कि कोई भी चार्ज है उसके चारों ओर का स्पेस और रीजन वो क्या कहलाता, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कि हम ये इमेजिन करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लाइंस जा रही है, वो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रियल में लाइन है इमेजिनरी लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन। हम एक ज़ूम करते हैं कि जैसे एक मैग्नेट है ना, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेट फैल जाता है, वहां पर आयरन फीलिंग, ऐसे कि चार्ज, चार्ज का एक रीजन है, एक स्पेस है, उसमें क्या होगा कि ये सारी की सारी उसकी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन रियल में लाइन नहीं है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, हम जिसको केवल अज्यूम करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट की जाती है एज ए पाथ स्ट्रेट और करव्ड, एक ऐसा पाथ जो स्ट्रेट भी हो सकता है और करव भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस such that tangent to which gives the direction of electric field, अगर वो स्ट्रेट है तो अपने आप डायरेक्शन है, अगर करव है तो करव पाथ पे क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, और वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कि हम चार्ज के चारों का जो स्पेस और रीजन है उसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, राइट। जैसे किसी का ये स्पेस है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये यहां पर किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वो अलग अलग है, वो बताऊंगा मैं कैसे होती है, राइट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, राइट, वो क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर इनके डायग्राम। प्रॉपर्टीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, सबसे पहली दे आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, डेफिनेशन मैंने पहले लिख रखी, एज ए पाथ स्ट्रेट और करव टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैसी लाइन है, इमेजिनरी, रियल नहीं है, हम इनकी इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसी होती है, इसका रीजन ऐसा होगा। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका, किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, मतलब कहां से चलेंगी, पॉजिटिव से, खत्म कहां पर होंगी, टर्मिनेट का मतलब एंडेड, खत्म कहां पर होंगी, नेगेटिव, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो हमेशा चलेंगी पॉजिटिव पे बट खत्म टर्मिनेट होंगी नेगेटिव पे, उससे पहले कभी खत्म नहीं होंगी, राइट। उसके बाद दे आर कॉन्टिन्यूअस कराओ, ये कंटिन्यूअस करव क्यों है, क्योंकि लगातार चलती है, खत्म कहां पर होंगी, नेगेटिव पे, स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव, बीच में कोई ब्रेक आता ही नहीं, क्योंकि ये चली पॉजिटिव से तो खत्म कहां पर होंगी, नेगेटिव पे, बीच में कहीं भी खत्म नहीं होती। दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप, क्लोज का मतलब बंद रास्ता, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्यों नहीं बनाती, क्वेश्चन आता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, क्यों नहीं बनाती, भाई एक सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन बंद होने के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव भी तो जाना जरूरी है, वो तो नहीं जा सकती क्योंकि वो खत्म ही कहां पर हो जाती है, नेगेटिव, तो इसका रीजन ये आ गया ऊपर वाला, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव,
बिल्कुल। नेक्स्ट, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन। अब आता है क्यों नहीं क्रॉस कर सकती। मैंने ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर गई तो पहले वाली का टेंजेंट, दूसरी वाली का टेंजेंट, अगर वो क्रॉस करेंगी तो एक ही पॉइंट पे क्या हो गई, दो डायरेक्शन, क्योंकि सच दैट टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी कर्व लाइन पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट। वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन पॉसिबल थोड़ा है। कैसी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी में दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है एक ही पॉइंट से, नेवर। दैट्स व्हाई दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट, दे स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती है, निकलती है, वो सरफेस से कैसे जाती है, नॉर्मली परपेंडिकुलरली, राइट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे एक्सपेंडेड लेटरली ड्यू टू, ये एक्सपेंड लेटरली का मतलब तिरछा, वो तिरछी बैंड एक्सपेंड हो जाती है ड्यू टू रिपल्सन। ये मैं करवाऊंगा जब डायग्राम, अभी बनवाता हूं डायग्राम। एट, दे कॉन्ट्रैक्टेड लेंथवाइज, ये आप लिख सकते हो लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी के कारण कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनली, राइट। ये दोनों प्रॉपर्टी अभी करवाते, अभी डायग्राम में समझ में आएगी, ठीक है। दे कैन नेवर पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स, सॉरी, दे कैन नेवर पास थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी कंडक्टर में से पास नहीं हो सकती। लेटरली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे से, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को, कंडक्टर के सॉरी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, राइट। बिल्कुल, कंडक्टर में से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं हो सकती। इसलिए तो कई बार क्वेश्चन आता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, ड्यूरिंग थंडरिंग, थंडरिंग का मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब बारिश होती है उससे पहले थंडरिंग होती है। ड्यूरिंग थंडरिंग यू शुड गो इनसाइड ए कार और अंडर ए ट्री। आपको कार के अंदर जाना चाहिए या एक ट्री के नीचे? अब बहुत सारे सोचेंगे ट्री के नीचे, नहीं, क्योंकि ट्री के नीचे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो बिजली गिर गई, वो बिजली नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट। तो यहां पर आपको कार के अंदर जाना चाहिए, इनसाइड ए कार, क्योंकि कार की बॉडी मेटालिक, एक कंडक्टर, उसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो ही नहीं सकती। अब वो किसमें से पास होती है, दे कैन पास थ्रू कंडक्टर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक्स। ये डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स वो इंसुलेटर है, एक इंसुलेटर है ये भी, जिनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, पास। ये हम सारा का सारा इसका रीजन पढ़ेंगे, क्यों पास होती, कैसे पास होती है। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी है, इमेजिनरी लाइन स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव से, टर्मिनेट नेगेटिव से, कंटिन्यूअस करा हुआ, क्यों कंटिन्यूअस, क्योंकि स्टार्ट पॉजिटिव से होंगी, टर्मिनेट कहां पर होंगी, नेगेटिव। दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस करेंगे तो दो डायरेक्शन, राइट। तो अब हम इसके डायग्राम बनाते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज, अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं, अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज, फोर पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से दूर जाती है, तो एरो का ये परपेंडिकुलर चलेगी सरफेस पे, ये चलेगी परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेम, बस एक ही चीज चेंज होगी, क्या? एरो का साइन, क्योंकि पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है, राइट? ये पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हमारे पास है दो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, एक्सपेंड हो जाएंगी, कैसे? लेटरली, प्रॉपर्टी आई थी ना, दे एक्सपेंडेड लेटरली ड्यू टू रिपल्सन, ये इधर, ये इधर, और फिर ये टेडी एक्सपेंड, तिरछी एक्सपेंड हो गई, किसके कारण? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन। बट एरो के साइन ध्यान रहे हमेशा पॉजिटिव से दूर। अगर दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, सेम कहानी, फिर से वही, दोनों क्या करेंगी? रिपेल। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव की तरफ, किसकी तरफ? नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ आएगा पॉजिटिव से दूर। अगर हमारे पास हो एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी लॉन्गिट्यूडनली, पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखी थी, दे कॉन्ट्रैक्टेड लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू अट्रैक्शन, पॉजिटिव से दूर, और पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ। ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, पैरेलल लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसके अलग अलग डायग्राम है। एक बात और बता देता हूं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं या बहुत गैप ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? वीक। ये प्रॉपर्टीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन है, रियल नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।